अब आपको मिलवाते हैं उस टीवी एक्ट्रेस से जिनकी शादी होने जा रही है, जो एकदम ओपन बुक है, यानी कि एकदम ट्रांसपेरेंट। उनका नाम है काम्या पंजाबी, वो हमारी फेवरेट वाली है। हाँ, वैसे काम्या की शादी होने जा रही है, तो इसकी प्लानिंग क्या है, कहाँ शादी होगी, सारे फंक्शंस कहाँ कहाँ होंगे, कौन कौन सी डेट पर होंगे, ये सब आज हमें काम्या बताने वाली है। तो हम काम्या से ये सब सुनते हैं और इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस काम्या एंड शलभ। उसकी आंखों में शादी के सपने हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है और एक्साइटिंग है, ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया था। उसको बस अब शादी का इंतजार है। जब मैंने ये तय कर लिया कि हाँ मैं भी शादी करना चाहती हूँ, तब उन्हें ये चाहिए था कि एक साल के अंदर करनी है, मिलने के एक साल के अंदर, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। अपनी सावरिया के लिए काम्या सजने सवरने को बेकरार है। कलर कॉम्बिनेशंस एक जैसे हो। आखिर वो पल आ ही गया जिसका सब खुदा इंतजार। सास बहू और सस्पेंस पर तैयार है काम्या, खोलने के लिए अपनी शादी का हर राज। लेकिन शादी का राज खुले उससे पहले ये तो जान ले कि कैसे हुई शलभ से काम्या की पहली मुलाकात और कैसे शादी तक पहुंची बात। हम मिले और अगर आप कभी शलभ से मिलोगे और उनसे कभी बातचीत हो गई आपकी, तो वो आपको ये कहेंगे कि मैंने मिलते ही सोच लिया था कि मुझे इससे शादी करनी है। तो ये सच है, उन्होंने मिलते ही, हाँ हालांकि मैं इसमें ज़्यादा मानती नहीं हूँ, लेकिन वो उनका यही था। जब मैंने ये तय कर लिया कि हाँ मैं भी शादी करना चाहती हूँ, तब उन्हें ये चाहिए था कि एक साल के अंदर करनी है, मिलने के एक साल के अंदर, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। हर लड़की का शादी का एक सपना होता है और यही सपना काम्या ने भी है देखा, इसलिए हमने जानना चाहा कि कैसा होगा उनका शादी का जोड़ा। डिसाइड तो क्या, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगी मैं, बस इतना बताऊंगी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों के कलर कॉम्बिनेशंस एक जैसे हों, बस ये कोशिश कर रहे हैं। नहीं भी हुआ तो पता नहीं, अगर उन्हें कुछ और पसंद आ गया या मुझे कुछ और पसंद आया, तो मैं ज़्यादा आउटफिट्स के बारे में नहीं बताना चाहती, लेकिन हाँ मैं बहुत माइन्यूटली इस पर काम कर रही हूँ। काम्या ने शादी के जोड़े को तो सस्पेंस रखा, लेकिन शादी कैसी होगी ये जरूर बताया। मैं बिल्कुल वो वैसी वाली शादी नहीं करना चाहती जहाँ पे कि दुल्हन एकदम शर्मा के बैठी हुई है और दूल्हा भी एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, या जो भी जब वो होता है कि स्टेज पे गिफ्ट दे रहे हैं लोग, रिसेप्शन में फोटो खींच रहे हैं खड़े रह के, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। थीम ये है कि बहुत धमाल करनी है, बहुत मस्ती करनी है, जिसको जो पहनना है पहनो, जिसको जैसे नाचना है नाचो, जिसको जो करना है करो, लेकिन धमाल करनी है। काम्या की शादी के फंक्शंस 5 दिन चलेंगे, किस डेट को क्या होगा खुद बता रही है काम्या। मैं और शलभ हमेशा से यही चाहते थे कि हम भगवान के सामने या तो मंदिर या गुरुद्वारे में शादी करें, और रिंग्स भी एक्सचेंज हम मंदिर में ही करें। तो गणपति के मंदिर में 8 तारीख को हमारी एंगेजमेंट होगी और 9 को सुबह हल्दी है, शाम को मेहंदी और संगीत है, 10 को गुरुद्वारे में शादी है, 11 को मुंबई में एक बड़ी सी पार्टी है, और 12 को फिर हम दिल्ली चले जाएंगे और फिर वहाँ पर एक पार्टी है बड़ी सी। तो इतना सारा है, 5 दिन का तो है। सलभ के साथ काम्या शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड है कि वो पार्टीज में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। मुझे बहुत मस्ती करनी है, बहुत मज़ा करना है, मेरी जो पार्टीज होगी वो भी वैसी ही होंगी। क्लब बुक कर रही हूँ मैं ताकि हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाच गाना कर सकें। मैंने दिल्ली के लिए भी कह दिया है कि क्लब ही बुक होगा जहाँ पे हम गोविंदा और मिथुंदा के गाने बजा सके और नाच सके और फुल धमाल कर सके, और डेफिनेटली आप सब भी इन्वाइटेड रहेंगे, सो आप सब भी बहुत धमाल करिएगा। यही थी मैं। हाय, ऐश की हालत ये है कि काम्या की रातों की नींद उड़ी हुई है।
शक्ति की शूटिंग ऑलमोस्ट रोज ही होती है और उसके अलावा इतना सारा काम है और मुझे सब कुछ खुद करना है, मुझे सारी चीज़ें खुद देखकर फाइनल करनी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है और एक्साइटिंग है, ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया था। नींद उड़ना तो लाजमी है, दुल्हन ने खुद शादी का सारा जिम्मा जो उठा रखा है। हमारी एक पार्टी दिल्ली में भी होने वाली है, वो वहाँ की तैयारियों में लगे और वो डेफिनेटली वो यहाँ पर भी आएंगे, तो अप डाउन चलने वाला है, तो कपड़ों से लेकर डेकोरेशन क्या होगा, फूलों का कलर क्या होगा, कपड़ों का कलर क्या होगा, कौन से फंक्शन में खाना क्या होगा, क्या होगा, छोटी छोटी चीजें सब कुछ सबका जिम्मा मैंने उठा लिया है। तो बस तैयार रहिए काम्या की शादी में शामिल होने के लिए, लेकिन अभी के लिए काम्या को आशीर्वाद दीजिए। मुझे और शलभ को अपना आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। मुंबई से नेट टीवी के लिए आशुतोष की रिपोर्ट।